दादी इंदिरा जी की हत्या से 4-5 दिन पहले अचानक दादी ने कहा बड़ा दिल कर रहा है कश्मीर जाने का। फिर हम दिल्ली आए, 3-4 दिन बाद ही मैं यहाँ आती हूँ तो आपकी शक्लें भी मेरे से मिलती जुलती हैं। काफी बार मैं देखती हूँ, गाड़ी से देखती हूँ या किसी से मिलती हूँ, कहती है तो ऐसे लगता है कि मेरी बहन है। तो एक अलग जुड़ाव है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, मेरी दादी इंदिरा जी की हत्या से 4-5 दिन पहले हम लोग घर पे बैठे थे। मैं 12 साल की थी, राहुल जी 14 साल के थे। अचानक दादी ने कहा बड़ा दिल कर रहा है कश्मीर जाने का। जो चिनार के पेड़ हैं पतझड़ के समय जो गिरते हैं, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। तो हम दोनों बच्चे थे, बहुत खुश हुए, चलो दादी के साथ कश्मीर चलेंगे। तो दादी हमें कश्मीर लाई। पहली बार मुझे खीर भवानी के मंदिर में ले गई। उसके बाद एक बड़े आध्यात्मिक गुरु थे उनके, पंडित लक्ष्मण जू जी, उनका आश्रम होता था श्रीनगर में, वो वहां गई। फिर हम दिल्ली आए, 3-4 दिन बाद ही उनकी हत्या हो गई, वो शहीद हो गई। तो अक्सर मुझे लगता है कि कैसा बुलावा था ये, कि एकदम अपनी हत्या से 4-5 दिन पहले अचानक बोली मुझे कश्मीर जाना है। ये अपनी धरती का बुलावा था। ये माता का बुलावा था कि वो खीर भवानी गई, पहली बार अपने दोनों पोती पोती को वहां ले गई। और उसके बाद से जब भी मैं श्रीनगर जाती हूँ, मैं जरूर खीर भवानी माता के यहाँ जाती हूँ और अपनी दादी को याद करती हूँ। दरअसल ये देश का शिखर है। प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया, सुंदरता, संसाधन, बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु जो यहाँ से चले और सिर्फ अपने देश भर में नहीं लेकिन दूसरे देशों तक गए और धर्म की बात की, अमन चैन की बात की। आपके पास सब कुछ था, एक धार्मिक परंपरा, जैसे मैंने कहा प्राकृतिक सुंदरता, संसाधन, और शायद ये दुनिया का तरीका है, दुनिया का स्वभाव है कि जब किसी के पास सब कुछ होता है तो जिसकी नीयत ठीक नहीं होती है वो उसे छीनने की कोशिश करता है, उसका इस्तेमाल करता है। एक तरह से भाजपा के नेताओं ने जम्मू और कश्मीर को अपने राजनीतिक शतरंज का मोहरा बना दिया है। यहां के लिए नीतियां नहीं बनती, आपके लिए नीतियां नहीं बनती, आपके प्रति जो नीतियां बनती हैं वो देश में जज्बातों को उभारने के लिए, राजनीति करने के लिए बनाई जाती हैं।